सबसे पहले हम जीशान भाई से मिलेंगे जो कि अहमदिया रेस्टोरेंट के ओनर है। कहानी की शुरुआत यहाँ नहीं होती, कहानी की शुरुआत होती है 2-3 महीने पहले जब जीशान भाई कॉन्टैक्ट करे थे, दी ओनर ऑफ अहमदिया रेस्टोरेंट फैयाज को कॉन्टैक्ट करे थे और बोले कि हमारा एक नया रेस्टोरेंट ओपन होने वाला है, बहुत टाइम से हम लोग आपको फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, आपका काम देख रहे पिस्ता हाउस का भी, बहुत अच्छा लगा, अगर आप भी अगर हमारे यहाँ पर आकर हमारे रेस्टोरेंट को शूट करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो हम लोग बोले व्हाई नॉट। तो हम लोग को जाना था वानी अम्बाड़ी, तमिलनाडु में है, और इस ट्रिप को मज़ेदार बनाने के लिए हम लोग कॉन्टैक्ट करे परेशान अन्ना को और उनको बोले कि भाई अगर आप फ्री है तो आप भी चलिए हमारे साथ शूट करने के लिए। तो उन्होंने भी बोले व्हाई नॉट। हम लोग जाने वाले थे बस से और हमारा बस का पिकअप पॉइंट था आरमगढ़ पर, वहाँ पर मैं फैयाज गए हमारा इक्विपमेंट लेकर, पूरे बैग वगैरह लेकर। जब तक हमारी बस नहीं आ जाती हम लोग वहाँ पर परिवार ड्राइविन की जो तंदूरी चाय है उसके मज़े ले रहे थे। वैसे मैं चाय ज़्यादा पीता नहीं हूँ लेकिन जब दोस्तों के साथ महफिल जम जाती चाय वाली महफिल तो हम पी लेते। फैयाज भाई को अभी फिलहाल भूख लग रही तो उन्होंने सैंडविच खाने गए, तो मैं अन्ना के साथ यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। ऑलरेडी अपन बोले ले भूख लग रही है बोलते फैयाज को उधर गए बोले ले। हाँ तो भैया देखो कैमरा ऑन है कि एक बाइट ले लेके भैया मेरा नहीं होता तुम्हारा नाइट नहीं होते जी। कितनी दूर है अन्ना? मालूम है आपको 10 घंटे का रास्ता। आप बाइट तो पूरा सुबह हुए दोपहर होते दोपहर नहीं होती जी, आप कम से कम 3:30-4 बजे पहुंचते सुबह। हाँ तमिल पौर ना बड़ा पौर ना बड़ा पर ना बड़ा पर ना बड़ा पर इल्ले इल्ले साफ़ तो है वाह ये नहीं आवा। जब कभी भी आप ट्रैवल कर रहे हो रास्ते में कहीं रुकते हो खाने के लिए तो हल्का फुल्का ही खाना, तो हम लोग भी दाल चावल रोटी यही खाए। टमाटो करी, दाल फ्राई, प्लेन राइस, चपाती। क्या कर रहे हैं ना? डिनर कर रहे हैं आप? हाँ डिनर कर रहे हैं। होटल रवि थेजा। तो हम लोग पहुंचे कृष्णागिरी, वहां पर आए थे रिजवान भाई, जीशान भाई रिजवान भाई को भेजे थे हम लोग को पिकअप करने के लिए। फिर रास्ते में एक चाय वाली महफिल। तो चाय पिए वहाँ से, फिर जब हम लोग हमारे होटल पहुँचे तो ऑलमोस्ट 4:30 हो गए थे। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नींद अच्छी हुई रात में अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छी नींद मतलब अच्छी हेल्थ, अच्छा दिन। तो सबसे पहले हम जीशान भाई से मिलेंगे जो कि अहमदिया रेस्टोरेंट के ओनर है, फिर उसके बाद जो पुरानी वाली रेस्टोरेंट है हम लोग वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर उसको देखेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे हम नई रेस्टोरेंट जो कि नई नई बनी ऑब्वियसली, तो उसकी जो शूट करना है वहाँ पर जाएंगे, फिर उसके बाद जीशान भाई से इंटरव्यू लेंगे, अहमदिया रेस्टोरेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे। अभी तक तो यही है प्लान, आगे आगे जैसा जैसा चीज़ें होते जाएंगी हम आपको अपडेट करेंगे। फैयाज भाई अभी रेडी हो गए। अन्ना सुन रहे अन्ना? ऐसा नहीं भैया, क्या हुआ बोले तो 10 मिनट बोल के 10 बजा दिए भैया। अब फैयाज भाई गए तो बोले पहले फैयाज भाई गए थे फिर और थोड़ी देर 10 मिनट। तो हम लोग करें हमारा नाश्ता, इडली डोसा पोंगल। वैसे जिस होटल में हम लोग रुके थे वहाँ की आसपास की जो जगह थी काफ़ी अमेजिंग थी, बहुत ही खूबसूरत थी। यू नो आसपास हिली एरियाज, कोकोनट ट्रीज, आई मीन होटल के आसपास की जगह नहीं, पूरा वानी अम्बाड़ी बहुत ही खूबसूरत दिखा मेरे को।
सुबह नाश्ता करने के बाद हम लोग नीचे पहुंचे, रिजवान भाई आ गए थे हम लोग को पिकअप करने के लिए। होटल से गए न्यू अहमदिया रेस्टोरेंट पे, वहाँ पर गए तो देखा हम लोगों ने कि काम चल रहा था अभी और तैयारियां भी हो रही थी फॉर द मेन इवेंट। यहाँ पर अन्ना बोले भैया जरा थोड़ा वीडियो लेना, मैं वॉक करता हूँ। फिर उसके बाद हमारी मुलाकात हुई जीशान भाई के साथ। चिकन बिरयानी अब आ गया तो पूरा मेकिंग शॉट बना सकते। अच्छा, मैं क्या सोचा था आज आपका थोड़ा शूट कर लेंगे, फिर कल परसों फिर आप बिजी हो जाते, आप नहीं मिलते आप हमारे को। मैं आज क्या सोचा था, पहले तो देखेंगे अच्छे से क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ तो विजिट कर लिए पुरानी वाली, उसको भी विजिट कर लेंगे, थोड़े फूड शॉट्स ले लेंगे। आपका जो अपना जो हिस्ट्री का जो वीडियो है, जो भी क्वेश्चंस आपको भेजे थे यार, तो उसके बारे में आप अगर बोल दिए तो वो आज वो कंप्लीट कर लेंगे, वो हो जाता। ओके नाइस। अच्छा अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं अहमदिया रेस्टोरेंट, जो कि बहुत पुरानी रेस्टोरेंट है इनकी। संडे तो यहाँ पे खाली वेटिंग में खर्चे करते पूरे पब्लिक, जैसे कि फ्री में बांट रहे जैसा कैसा दिखते हैं वैसे पब्लिक उतना रहता है यहाँ पे। तो संडे के दिन उतना पब्लिक रहता और अच्छा दिखा मेरे को, बहुत ही जबरदस्त यहाँ का माहौल है और बहुत ही जबरदस्त यहाँ का लोग भी आए। तमिलनाडु अभी किचन में जाके आए अपन, किचन में बहुत सारे आइटम बन रहे थे, देख के कैसा लगा, क्या जबरदस्त है। पिज्जा फ्राई, चिकन फ्राई। तो हम लोग जा रहे थे शूट करने के लिए, ड्रोन शॉट्स लेने के लिए, स्पेशली बीरोल लेने के लिए। तो कहाँ पर जा रहे रिजवान भाई? इस्लामी बॉयज स्कूल, इस्लामी बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी इस्लामी बॉयज स्कूल को जा रहे हैं हम लोग। पानियामवाड़ी का बहुत ही फेमस और बहुत ही पुराना स्कूल है। अभी फैयाज भाई गए ड्रोन लाने के लिए, कुछ ड्रोन शॉट्स लेंगे तो होपफुली देखेंगे अगर उड़ाने के बाद में अगर अच्छे शॉट्स आए तो बीरेल के लिए काम में आएगा। और लेट्स सी, थैंक यू कैमरामैन नियामत अली। स्कूल का शूट करने के बाद हम लोग फिर सोचे कहीं और शूट करने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट कुछ 3-4 बज गए थे, हमारे पास टाइम था। तो रिजवान भाई बोले हम लोग जाएंगे येलागिरी हिल्स, और अगर आप येलागिरी हिल्स के सबसे ऊपर टॉप पर जाएंगे तो वहाँ पर कुछ अम्यूजमेंट पार्क है, बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। अगर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ जाएंगे तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं वहाँ पर। हम लोग वहाँ पर गए नहीं, लेकिन मेरा पूरा इंटरेस्ट था हेयर पिन बेंड्स में, तो मेरे को उसके कुछ ड्रोन शॉट्स लेना था तो हम लोग वहीं पर गए। येलागिरी हिल्स पे शूट करने के बाद हम लोग को जाना था वानियामवाड़ी का टोल प्लाजा, जो टोल गेट है वानियामवाड़ी का, वहाँ पर जाना था। वहाँ पर जाके भी उसका भी ड्रोन शॉट लेना था, तो हम लोग वहाँ पर गए। ऑलमोस्ट शाम हो गई थी वहाँ पर और उसके भी कुछ ड्रोन शॉट्स लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियोस पसंद आए तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर द ट्रेलर, ट्रेलर आप सबको बहुत पसंद आया, बहुत कुछ शेयर करना है आप लोगों के साथ। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ और लाइक्स करो, जितने ज़्यादा लाइक करेंगे तो शायद हमारे ऊपर अल्गोरिथम जो है यूट्यूब का थोड़ा मेहरबान हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट है जितने भी लोग देख रहे हैं थोड़ा सा लाइक कर दो, कॉमेंट नहीं तो कम से कम लाइक ज़रूर करके जाओ। तो मुझे बोल जाओ ये ओ नहीं सकता, मैं तुझे मुझे तुझे मुझे अरे प्यारे
मैं अच्छा खा के सो जा रहा था ना, फिर कई को बुलाए तुम मेरे को, बुलाए तो बुलाए तुम, वो खिला दिए मेरे को मुजफ्फर।